खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देश में वैसे तो कई समस्याएं हैं, पर ड्रग सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है जिसकी चपेट में आज युवा वर्ग आ रहा है। हालांकि सरकार इस मात्रा को खत्म करना चाहती है, पर खैर इसी मुद्दे को AIMIM के विधायक वारिस पठान ने असेंबली में अपनी आवाज उठाई। क्या कुछ कहा वारिस पठान ने असेंबली में, आप खुद ही सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कहा था, कहने को तो यह शहर है लेकिन यहाँ पे कायदा चलता है जंगल का। सांप नेवले को खाता है, नेवला बिछिए को, और बिछिए छोटे मोटे कीड़े को। और हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे कीड़े को पकड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ये जो ड्रग का मिनेज चला है हमारे देश में, जवान जवान नस्ल 17-18 साल के बच्चे इस नशे के आदि हो गए और पूरी पूरी हमारी देश की नस्ल खराब हो रही है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पिद्दी भर मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अगर हिंदुस्तान ने जोर से फूंक मार दिया तो दुनिया के नक्शे से उड़ जाएगा। उस मुल्क की ये साजिश है कि हमारे देश को किसी और तरह से तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इस तरह से अमली पदार्थ के जरिए हमारे देश की जवान नस्ल को तबाह और बर्बाद करे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अगर इसको नशे को खत्म करना है तो हमको हमारे बॉर्डर्स को टाइट करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जो महाराष्ट्र मुंबई में तो नहीं बनता ही है, ये आता है महाराष्ट्र के बॉर्डर से, हमारी जो एंट्री पॉइंट है। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है या नहीं है, अरे बड़े बड़े पुलिस कर्मी वहां की जॉब लेने के लिए लाखों रुपया खर्चा करते हैं कि हमको चेक नाके के ऊपर जॉब दिया जाए, क्योंकि वहां से ट्रक जाता है, 500 रुपया दे चल ट्रक आगे। अध्यक्ष महोदय, जब तक हम वहां पर टाइट नहीं होंगे, हमारा वहां विजिलेंस टाइट नहीं होगा, इसी तरह का अमली पदार्थ हमारे शहर में आएगा और हमारी नस्ल को तबाह बर्बाद करेगा। अध्यक्ष महोदय, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर अमीर आदमी पीता है तो बाथरूम के टब में मरता है, गरीब आदमी पीता है तो गटर और नाले में मरता है। मरना दोनों भी हालत में है, लेकिन हम अगर राज्य को हमारा मजबूत बनाने चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देके देश के साथ अच्छे से अच्छा कांधा मिला के आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको ये ड्रग के मिनेज को तात्कालीन खत्म करना होगा। और कुछ एनजीओ से, अध्यक्ष महोदय मेरी जानकारी के मुताबिक एक एनजीओ से रहमानी ग्रुप जो ऐसे ड्रग के अंदर जो बच्चे बेचारे फंस जाते हैं उन लोगों को रिहेबिलिट करता है, उनका इलाज करते हैं फ्री में। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे एनजीओ को हेल्प करे, सपोर्ट करे, ताकि जो बच्चे इस ड्रग के नशे में मुब्तिला हो गए हैं उनका इलाज हो। तो सरकार को सख्त से सख्त इसमें करना चाहिए, वरना जो आदमी ड्रग लेता है क्राइम भी करता है। अध्यक्ष महोदय, घर में आता है, बीवी को परेशान, माँ बाप परेशान, पूरा परिवार परेशान हो जाता है, और इसको कहीं ना कहीं रोकना है। और आपकी सरकार सही में सख्त इनिशिएटिव ले लिया तो हम हमारे राज्य से इस नशे के पदार्थ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अध्यक्ष महोदय।